हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जाधव। काफी समय से हमारे जो भाई बहन है वो पूछ रहे थे बाई बैक बिजनेस के बारे में कि कोई ऐसा बिजनेस बताए जिसमें घर में बनाए और पूरा माल कंपनी उठा के ले जाए। तो अब ऐसे बिजनेस तो ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने आपके लिए ऐसे 5 बिजनेस ढूंढ के निकाले हैं जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे कंपनी उसका बाईबैक करेगी। अब फ्रेंड्स, बाईबैक में होता ये है कि बाईबैक अच्छा है, मैं भी कहूँगी अच्छा है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना स्टार्टअप लगाते हैं, तो उनको सबसे पहले प्रॉब्लम जाती है मार्केट में सेलिंग की, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को नॉलेज नहीं होती है मार्केट के बारे में। और जो भी जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए 100 किलो का ही अगर कोई बैच बनाया तो उसमें काफ़ी सारी तो कमियां होती हैं। तो जब आप कंपनी को बाईबैक करेंगे तो वो आपको उसकी कमी भी बताएंगे और उसमें ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप उसको इम्प्रूव करें। तो मेन बात ये हुई कि आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जब आप उस चीज़ को सीख जाएंगे तो आपको वो मार्केट में भी बेचने में काफ़ी आसानी होगी, कि जिस काम को सीखने में आपको 6 महीने लगेंगे, यानी आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और उसकी जब उसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं तो आपको एक बिजनेस के सेटअप में आपको 6 महीने तक लगते हैं। अब जब आप कंपनी के साथ आप बाईबैक करेंगे तो वही काम आप 1 महीने में सीख जाएंगे। बाईबैक में अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें सबसे पहला मुनाफा तो यही होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनने लगता है, यानी काफी सारे उसमें इंप्रूवमेंट हो जाते हैं और एक्सपोर्ट क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अब ऑफिशियली वाली बात है कि आपसे कोई कंपनी बाईबैक लेगी तो 2 रुपए तो वो अपना भी कमाएगी, क्योंकि यहाँ ऐसे तो कोई नहीं बैठा है कि सब किसी को चाहिए, और आप तो जानते ही हैं कि बिजनेस में मुनाफा बचा ही कितना है। तो मेरा तो फ्रेंड्स बस एक ही कहना है कि जब तक आप मार्केट के बारे में परिचित नहीं हो रहे हैं तब तक आप बाईबैक कीजिए। जैसे ही आपको नॉलेज मिलती है तो आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल कीजिए। जो 2 रुपए कंपनी आपसे ले रही है वो 2 रुपए आपको खुद मिलने लग जाएंगे। और हाँ, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं तो अब आपको बिजनेस बताते हैं। तो बिजनेस बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे इस छोटे से चैनल को प्यार दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यार की कमी ना पड़े तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाईबैक बिजनेस में सबसे पहले नंबर पे हम रख रहे हैं पेट बोतल क्रशिंग का। तो पेट बोतल क्रशिंग का ये एक मीडियम सेगमेंट का बिजनेस है, और अगर आपकी सिटी में 10-15 लोग कर रहे हों तो आप इस बिजनेस में एंटर करें। अगर 10-15 लोगों से ज़्यादा कर रहे हों तो आप इस बिजनेस को ना करें, क्योंकि ऑफिशियली वाली बात है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, अगर आपके मार्केट में ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो इसके रॉ मटेरियल जो है वो आपको महंगे कॉस्ट पे मिलेगा। अब ज़्यादा रेट पे मिलेगा फिर आपको इस माल को सेल करने में दिक्कत जाएगी। अगर कम लोग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि इस पेट बोतल की जो स्क्रैप होती है उससे इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इसको तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आपने देखा होगा जो लोअर ट्रैक सूट वगैरह होते हैं और जो कपड़े होते हैं, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब डिटेल में बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लें। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दे दी है, और अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ मैंने आई बटन पर भी इस वीडियो को लगा दिया, तो वहाँ से भी आप देख लें इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, वैसे इसका जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और मशीन कहाँ से मिलनी है फुल इन्फॉर्मेशन है। तो इस बिजनेस को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो आप अपनी सिटी में ट्राई करें, अगर कम लोग इस बिजनेस में हैं तो आप इस बिजनेस को करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। दूसरे नंबर पे हम बाईबैक बिजनेस में लेते हैं अपनी बहनों के लिए। तो भाई लोग, आपके काम का नहीं है तो आप अपने अपने कान बंद कर लो, आपके मतलब का तीसरा बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस है वो हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, कि आपने देखा होगा कि मोस्टली पहले घरों के बाहर
औरतें आती थी तो वो लोग पुराने कपड़े लेके जाती थी और हमें जो स्टील के बर्तन है वो हमें रिफंड में देके जाती थी। तो इसी तरह का ये बिजनेस है और इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्कशन बॉक्स में दे दी है और ऊपर आई बटन पर भी दी है, तो वहां से आप क्लिक करके देख लें। तो एक्चुअली वो जो कंपनी है वो आपसे पुराने कपड़े एक्सचेंज में लेंगे। तो पुराने कपड़े में आपका कोई भी कपड़ा हो, साड़ी, पैंट, शर्ट, सूट, सलवार, चुन्नी, कुछ भी हो, सारे कपड़े वो बाईबैक में लेंगे और आपको उसके बदले आपको न्यू साड़ी देंगे और कुछ उसके साथ में कुछ पेमेंट भी लगेगा। तो काफ़ी अच्छा है ये भी बिजनेस, आप इसमें भी इस बिजनेस में बाईबैक कर सकते हैं। बस इसमें वहाँ से आपको सिर्फ साड़ियाँ ही मिलेंगी, तो वहाँ से आप साड़ी परचेज करें और अपनी इन साड़ियों के साथ में आप एक काम और कर सकते हैं, आप बच्चों के कपड़े हैं, सूट हैं, हैं और टी शर्ट वगैरह हैं, जीन्स हैं, पर्दे हैं, पर्दे, बेड शीट, ये सारी चीज़ें आप साथ में मेंटेन करें। तो एक घर के एक छोटे से कमरे से आप इन सारी चीज़ों को बेचें। और हाँ फ्रेंड्स, और इसमें एक और ऑप्शन है कि आपने देखा होगा दिल्ली के सदर बाज़ार में कॉस्मेटिक का जो आइटम होता है वो भी काफ़ी अच्छे रेट पर मिलता है आपको, एक इकट्ठे यानी वहाँ एक पैकेट में मिलेंगे कि 6-12 इस तरह का होता है। तो उसमें से अगर आपने 2 प्रोडक्ट भी अगर आपने सेल कर लिए तो ऐसे मान लीजिए कि आपका जो पैकेट की पूरी कीमत है वो पूरी वसूल हो जाएगी, कि काफ़ी अच्छे रेट पे है। मैंने भी जाके वहाँ ट्राई किया है, वहाँ के रेट काफ़ी अच्छे हैं। तो आप अपने ही एक घर के कमरे से आप साड़ी का बिजनेस करें और ये क्लॉथ का, बेड शीट, क्योंकि मोस्टली जो आपकी कॉलोनी की जो जो लेडीज होती हैं सभी को शौक होता है कि बहुत जल्दी जल्दी उनके पर्दे भी चेंज होंगे, बेडशीटें भी चेंज होंगी, तो आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो हमारी बहनों के लिए ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इसमें आप काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हो, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई लोग जो है हमारे कान ओपन करो, क्योंकि तीसरा बिजनेस है आपके लिए। और हाँ, जो हमारी बहनें हैं वो भी इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो तीसरा बिजनेस मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग कॉटन विक्स का। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है और जो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्कशन बॉक्स में भी दी है और ऊपर आई बटन पर भी दी है, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख लें। तो वो कंपनी आपके साथ बाईबैक कर रही है, तो आप उनके साथ भी बाईबैक कर सकते हैं और बाकी जो फेस्टिवल सीजन होते हैं वहाँ भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को भी आप करके काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। लॉन्ग कॉटन विक्स की सबसे ज़्यादा सेल होती है दक्षिण भारत में। अगर आप दक्षिण भारत में हैं तो ये समझिए आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि वहाँ लॉन्ग कॉटन विक्स जो है वो उसकी काफ़ी सेल होती है, कि मंदिरों में भी होती है और फेस्टिवल सीजन पे वहाँ काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। तो अगर आप वहाँ बिलोंग करते हैं तो आपको इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बाकी तो फिर हर जगह कॉटन विक्स तो हर जगह ही बिकती है, तो आप कंपनी के साथ बाईबैक करके इस बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। चौथा बाईबैक बिजनेस है वेलवेट पेंसिल का। तो इस बिजनेस की भी काफ़ी अच्छी डिमांड हो गई है, क्योंकि बच्चे इस वेलवेट पेंसिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और गिफ्ट आइटम में भी इनकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, कि पहले इसकी नहीं थी बस अब इनका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो इसकी जो वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और आई बटन पे भी दे दी है, तो वहां से आप इस वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। अगर फ्रेंड्स इस मशीन को आप थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो ज्वेलरी की डिब्बियां होती हैं उन पर भी आप वेलवेट कोट कर सकते हैं और पेन के बॉक्स होते हैं उन पर भी वेलवेट कोट किया जा सकता है। और फ्रेंड्स इसमें जो डेकोरेशन के जो आइटम होते हैं, आप ऐसे मान लीजिए जैसे घर में आप टेडी बियर कोई ले लीजिए, तो टेडी बियर छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर टेडी बियर आते हैं, उनके ऊपर अगर आप वेलवेट कोट करके उनको मार्केट में सेल करेंगे तो उससे आपको अच्छे रेट पे भी सेल होंगे और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो वेलवेट की जो पेंसिल होती हैं वो गिफ्ट आइटम में बहुत ज़्यादा आजकल यूज हो रही हैं, क्योंकि बर्थडे वगैरह हैं आए दिन, तो हर किसी के घर में बर्थडे होते रहते हैं। और हाँ, और इस वेलवेट पेंसिल को बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बार बार उनको उसका देखा होगा आपने, उस पेंसिल को छील छील के उसके फूल भी बनाते हैं, तो वेलवेट के काफ़ी सुंदर सुंदर इससे फूल भी बनते हैं।
हैं फ्रेंड्स। पांचवा जो बाईबैक बिजनेस है वो है राउंड कॉटन बिक्स का। तो ये राउंड कॉटन बिक्स है वो भारत में हर जगह यूज होती है, हर घर में यूज होती है और हर मंदिर में इसका यूज किया जाता है। तो इसकी सेल भी बहुत ज्यादा है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और आई बटन पे भी दी है, तो वहां से क्लिक करके आप देख ले। हाँ, मैं हंस इसलिए रही हूँ कि बार बार मैं बोल रही हूँ आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप ये कहोगे मैडम आपने इसमें हमें वीडियो नहीं बताया। तो मैंने पूरे पांचों वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो पांचों वीडियो आप वहां से देख ले, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो आपको जो आपको सूट करे, यानी जितना इन्वेस्टमेंट आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस शुरू करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट को खुद बना के मार्केट में अगर खुद सेल करेंगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म प्लेयर बने रहेंगे, तो आपको मार्केट की पूरी नॉलेज होगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, तो प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत कम है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मेक इन इंडिया।